एके क्वाई स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा दें, घंटा का निशान दबा दें। इससे होगा क्या, आपको नोटिफिकेशन के रूप में हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचेगा, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। आज जो वीडियो लाए हैं उसमें मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप देसी मुर्गियों से, ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये हमारे ही फार्म का वीडियो है और ये प्योर देसी, जिसे हम गौरान मुर्गी भी कहते हैं, वही मुर्गी है। ये सोनाली या RIR ब्लैक एस्ट्रोलॉप इत्यादि मुर्गियाँ नहीं हैं, ये आपकी प्योर देसी गौरान मुर्गी है। इससे भी आप अधिक संख्या में अंडा ले सकते हैं यदि आप इसका खान पान का अधिक ध्यान रखें, अच्छे से ध्यान रखें। और ध्यान इस तरह से रखना है कि आपको खाने पे खर्च भी ज़्यादा ना आए, जिससे आप अच्छा मुनाफा ले सकें। आप इसे खाने में जो देंगे, दो तरह से आप खाना इसे दे सकते हैं, एक मार्केट का खाना और दूसरा घर का खाना। यदि हम मार्केट का खाना देते हैं तो आप लेयर फेज़ वन दाना दीजिएगा, जो कि अभी 1500 से 1600 रुपए बैग आता है, ये आपको 30 रुपए पर केजी आपको पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप इसे ऑस्ट्रोवेट या कैल्गोफॉस दे सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ऑस्ट्रोवेट और कैल्गोफॉस लिखा हुआ आ रहा है, जिसे आप देख रहे हैं, आप इसे नोट कर लें। कैल्गोफॉस जो होता है वो कुछ ज़्यादा महंगा मिलेगा और ऑस्ट्रोवेट उसके तुलना में कुछ सस्ता आता है। और आप पानी के बर्तन में 1 लीटर पानी में 5 ml आप उसे दे दें 100 मुर्गियों पर। और यदि आप कैल्गोफॉस देते हैं वो भी 1 लीटर पानी में 5 ml आपको देना है। कैल्गोफॉस कुछ महंगा आएगा, इसलिए आप उसे नहीं भी दे सकते हैं, ये कमर्शियली वायबल नहीं होगा, लेकिन वाटर सॉल्युबल वो ज़्यादा होता है। यदि आप ऑस्ट्रोवेट देते हैं तो पानी में अच्छे तरह से मिला दें। और साथ ही आप यदि घर का आप दाना देना चाहते हैं तो घर का दाना फीड फार्मूला बनाकर आप दे सकते हैं। उसमें मक्का का दर्रा आपको देना है और कुछ खल्ली भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और लाइम जो है, चूना, खाने का चूना जो है, उसे आप पानी में मिलाकर दे सकते हैं। पानी में जो चूना आपको मिलाना है वो 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम देना है, छोटे वाले चम्मच से आपको देना है। और मुर्गी जो अंडा देगी उसका इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप जगह किस तरह से बनाए हैं। आप जो वीडियो में देख रहे हैं टीना, सरसों का टीना का यदि आप बना देते हैं इस तरह से, या लकड़ी का, प्लाईवुड का आप बना देते हैं, तो मुर्गी समझती है कि हमारा अंडा सुरक्षित रहेगा और अंडे उसमें ज़्यादा आपको मिलेगा। यदि आप उसी तरह से खुले में छोड़ देते हैं तो उससे भी एग प्रोडक्शन पर काफ़ी असर पड़ता है। आप ये जो देख रहे हैं, कुछ हाइट पे हमने सरसों का टीना को लगाया है, ये अंडा देने के लिए लगाया हुआ है हमने। आप इसमें देख भी सकते हैं कि अंडा है, सब में एक अंडा आपको दिख रहा होगा। अंडा रोज़ इसमें दिया जाता है, लेकिन हम नया अंडा निकाल के रख देते हैं और पुराना अंडा इसमें छोड़ देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।